आप सब बढ़िया होंगे और साथ साथ पढ़ भी रहे होंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप आज मैं आपको ऐसा एक शॉर्टकट बता दूंगा कि दुनिया के कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन 3 अंकों की संख्या हो, 3 अंकों की संख्या से नहीं, 3 डिजिट का 3 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करना हो तो आप एक को सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में कर सकते हो, कतई आपको 3 या 4 लाइन में करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको बड़ी से बड़ी एग्जाम ऐसे जैसे CGL, CPO, CSSL, IMTS, बैंक या इत्यादि या रेलवे कोई भी एग्जाम नहीं आपको देना हो तो उसमें जो भी क्वेश्चन यानी 3 संख्या मल्टीप्लिकेशन 3 संख्या से करना हो तो आपको समय बर्बाद करने की कतई आवश्यकता नहीं है। प्लीज़ आपको इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। इसके लिए आपको मैं 3 संख्या से मल्टीप्लिकेशन आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में बता दूंगा। पहले आपको इस जो क्वेश्चन जो आपको इस बोर्ड पर दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। आप यही जरूरी नहीं है कि आप यही क्वेश्चन लें, आप कोई भी संख्या का मल्टीप्लिकेशन 3 संख्या से कर सकते हैं। ये तो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूंगा। इस संख्या यानी आपको 678 को 123 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको 3 जगह यानी मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करने की कतई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में मल्टीप्लिकेशन करना है। इसके लिए आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा। इस संख्या में जब भी आपको 678 इंटू यानी 123 दे रखा है, मान लो कोई भी संख्या है दे रखी है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है इसको इस यानी जब भी इसको मल्टीप्लिकेशन करना है पहले क्या करोगे आपको इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या आता है 8 3 24 आता है तो आपके पास कैरी कितनी बन गई 2, ये तो बन सी 24 में आपको कैरी कितनी बची 2, ये तो है आपने चार में रख लिया, आपके कैरी कितनी आपके पास 2 है। फिर आप क्या करोगे फिर इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे और इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 7 को 3 से मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आता है 21, यही तो आता है। और 8 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आता है 16, यही तो आता है। फिर आप इसको क्या कर दोगे ऐड कर दोगे तो क्या आता है 6 × 7, यही तो आता है 2 × 3 ये क्या हुआ ऐड करने पर 37 प्राप्त होता जबकि हमारे पास कैरी कितनी थी 2, तो 37 में 2 जोड़ने पर क्या आता है 39, यही तो आता है। तो 39 इसके लिए आप यहाँ क्या कितना रख दोगे 39, तो अब यहाँ कितना आएगा 9। अब आपके पास कैरी कितनी है कैरी कितनी बची 3, कैरी कितने पास आपके पास 3। फिर क्या करोगे फिर आगे अब आप इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करो और इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करो, जो बीच वाला डिजिट है इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करके क्या कर दोगे ऐड कर दोगे यानी जोड़ दोगे। तो 6 को 3 से गुणा करने पे क्या प्राप्त होता है 18 और 8 को 1 से गुणा करने पे क्या प्राप्त होता है 8 और जो बीच वाला डिजिट है इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करने पे क्या प्राप्त होगा 7 × 14 है, ये हम क्या करेंगे उसको ऐड कर देंगे। 8 और 8 कितना होता है 16, 16 और 4 कितना आता है 20। अब आपके पास कैरी कितनी है 2, 1 और 1 को 2 जोड़ने पर क्या था 2 और 2 2 4 हो जाता है। अब आपके पास जो कैरी थी उसको उसमें ऐड कर दोगे 40 + 3 यानी जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है 43, ये तो आता है। तो 43 से यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। अब आपके पास कैरी कितनी है 4, ये क्या है हमारे पास कैरी बच गई कितनी 4। इसी प्रकार अब आगे हम क्या करेंगे अब इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको इससे कर देंगे 6 और 2 से गुणा करने पर क्या था 12 है, 12 और 7 कितना हो जाता है 19 में जब 4 कैरी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 19 और 4 कितना हो जाएगा 23 का 3। अब हमारे पास कैरी कितनी बची 2, जो लास्ट डिजिट है इसको इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 6 को इससे गुणा करने पर क्या था 6 और 6 और 2 कितना होगा 8, ये तो इसका आंसर निकल गया ना एक लाइन के अंदर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जो लास्ट डिजिट है इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 6 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे फिर इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 × 12 12 + 18 कितना हो जाएगा 6 × 12 12 और 6 × 3 = 18 क्या था 18 कितना आ जाएगा 30। तो 30 के यहाँ पर क्या उतारेंगे 3 और हमारे पास कैरी कितनी है 3। फिर क्या करेंगे फिर इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बीच वाला डिजिट है इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करके क्या कर देंगे हम तीनों को जोड़ देंगे तो 5 × 10 3 × 9 और 6 × 36 ऐड करने पे कितना आता है 5 × 3 = 4 क्या आ जाएगा 5। हमारे पास कैरी कितनी थी 3 तो पिछले में 3 ऐड करने पे क्या आ जाएगा 58 यानी 58। अब यहाँ पे कितना रख देंगे 8। अब हमारे पास कैरी कितनी बची 5, ये तो बची 5 हमारे पास क्या बची कैरी। फिर क्या करेंगे फिर इस डिजिट को इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करके क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 6 को 5 से गुणा करने पर क्या था 30 और 6 को 3 से मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या प्राप्त होता है हमें 18, ये तो प्राप्त होता है। इसको ऐड करने पर हमें क्या प्राप्त होगी 8 और 4 यानी 48 प्राप्त होगा।
पहले हमारे पास क्या कितनी थी, उसमें ऐड कर देंगे 48 + 5 कितना हो जाएगा 48 और 2 50 3 53 53 का 3। अभी हमारे पास क्या कितनी है 5, यही तो है 5। फिर लास्ट में क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 3 15 15 को 5 को जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा 20। ये तो इसका आंसर था कि इतना आसान था। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आया 2, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको इससे और इसको इससे करेंगे, तो ए, दो एक को एक से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एक होता है, और दो को दो से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है 4। जब एक और 4 को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 5। फिर क्या करेंगे, फिर इसको तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बीच वाला डिजिट है इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त होगा 3 + 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होगा 2। जो बीच वाला डिजिट को भी इससे मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त होगा 2। ये तो प्राप्त होगा 2 × 4 + 3 क्या हो जाएगा 7, ये तो प्राप्त होगा। फिर आगे क्या करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 एक को एक से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है 1, 6 और 1 को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा 7, ये तो प्राप्त होगा। फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 3। कितना आसान था, ये भी एग्जाम में निकल गया क्वेश्चन। इसी प्रकार को नेक्स्ट क्वेश्चन आएगी, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कोई भी सिंगल ले लो 513 × 132 ले लो, ये इसको आपको क्या क्या बताना है कॉमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। कितना आसान था, पर इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी होता है। आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।